हेलो, मेरे चैनल का नाम बी के गब्बा है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज का टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल टाइप्स। पहला टाइप है सेल इन सीरीज, जैसे उसमें था पीछे कैपेसिटर में भी यो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर कराया था मैंने, ठीक। और फिर रेजिस्टेंस आया, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अब है सेल, सेल सेल मतलब बैटरी कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर देखो गे, पहले के बारे में बात करते हैं इन सीरीज। तो सीरीज में जो है भाई, एक तार एक वायर ले लो, ठीक। यहाँ पर देखो मैं बता देता हूँ, एक वायर ले लो, इसमें जोड़ लो यहाँ बैटरी, फिर या कैपेसिटर जोड़ लो या रेजिस्टेंस जोड़ लो, यहाँ जोड़ लो, फिर यहाँ जोड़ लो, फिर यहाँ जोड़ लो, फिर यहाँ जोड़ लो, फिर यहाँ जोड़ लो। तो ये सीधा ना जाकर, जगह कम थी इसलिए मैंने इधर को मोड़ लिया, ठीक। अब जो दूसरा तार, ये जो है मान लो हमारे पास जो है दो वे होते हैं, लाइन के तार होते हैं, जैसे गांव में चलती है या शहर में चलती है। मान लो दो तार मैंने बताए, एक तार से तुमने क्या है ये सब चीज़ जोड़ ली, बल्ब मान लिए, ठीक, ये बल्ब मान लिए, और ये भी बल्ब है, बल्ब है, बल्ब है। अब फिर दूसरा तार लिया और दूसरे तार को ऐसे कनेक्ट कर दिया, ठीक, जो अर्थ वाला न्यूट्रल, ठीक, यो है मेन। तो यो क्या चीज़ है, सीरीज में जुड़े हुए, ओके, सीरीज में जुड़े हुए, समझ में आएगी बात। जो दो लाइन के तार आ रहे हैं उनमें से तुम तार डाल लोगे, या मान लो किसी होल्डर से जो है दो तार लोगे, यो कनेक्शन हो गया, तो इस तार वायर के अंदर, इस वायर के अंदर इस तरीके से जोड़ते चले जाओगे तो सीरीज होता है। ऐसी बैटरी की बात, बैटरी को किसी वायर में इसी तरीके से जोड़ दोगे तो क्या है, सीरीज है बैटरी। बहुत सारी बैटरी मतलब एक बैटरी, दो बैटरी, तीन बैटरी, ऐसा करके अगर कैपेसिटर जोड़ दोगे तो इस तरीके से, ठीक। अगर इस तरीके से जोड़ोगे कि कोई एक वायर ले लो, यहाँ पर कोई मैं बता देता हूँ, चलो यहाँ बता देता हूँ कि कोई एक वायर ले लिया भाई, मेन तार है, फेस है, या उससे ले लो, ठीक, यो अर्थ हो गया, न्यूट्रल हो गया, यो मेन हो गया। इस मेन में क्या करोगे कि यहाँ से तीन टुकड़े जोड़ो, इस तरीके से तीन चार जितने भी जोड़ो इस पर जोड़ लो, फिर यहाँ पर क्या है तुम्हें जो जो लगाना वो लगा लो, ठीक। मैंने बल्ब लगा के दिखा दिए, ठीक। यो देखो, जब बल्ब लगाओगे तो इस पर दो कुट्टी हो, बल्ब पर भी, होल्डर पर भी दो कुट्टी हो, पहली कुट्टी से यो जोड़ दो, लेकिन दूसरी कुट्टी से टुकड़े लेने और इस कुट्टी से इस तरीके से एक जगह ज्वाइंट कर देंगे, ज्वाइंट करके इससे जोड़ देंगे, जला देंगे। यो क्या है, यो है पैरेलल। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि सेल, सेल मतलब बैटरी, बैटरी को सीरीज में कैसे कनेक्ट करते हैं, यहाँ बता देते हैं। तो दे आर टू सेल इन सीरीज, द करंट बी इक्वल इन होल सर्किट, ठीक। जो करंट होगा वो इक्वल होगा जब जोड़ देंगे तो। अब बात करते हैं बाया फार्मूला। ये फार्मूला मैंने भी पीछे एक आर्टिकल करा है उसमें बताया था। तो ये रिलेशन होता है भाई, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है ई, और पोटेंशियल जो हो गया यो, और आई आर, इसमें रिलेशन हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस। अब देखोगे तुम कि इस वाले इसके लिए ले रहे हैं, तो ए बी यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे, ए बी, बी ए, बी ए बी, तो ए बी ए माइनस बी बी क्या हो जाएगा, ई वन माइनस कर देंगे इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक भाई। जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है जो खर्च कर रहा है वो लाइट को घटा देंगे, और यहाँ पर जो इन पर जो टर्मिनल के सिरे हैं, इन टर्मिनल के सिरों पर पोटेंशियल जो शो करेगा वो इंटरनल बोल्ट के को इन जो है डिक्रीज करके ही तो करेगा, इसे माइनस कर देंगे। जो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा भाई, आई आर, यो सो इंटरनल रेजिस्टेंस की आई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, पोटेंशियल बन जाएगा, ये याद रखना।
पोटेंशियल। अच्छा पोटेंशियल का फॉर्मूले बात करें, पोटेंशियल की फॉर्मूले की बात करें तो क्या होता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस, करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर इसमें दूसरे वाले के लिए इसी प्रकार बैटरी टू, ई टू में यो बी बी सी, और ये हो जाएगा ई टू माइनस आई आर टू, ई टू माइनस आई आर टू। बी ए सी, बी ए सी ये हो गया बी सी, बी ए माइनस बी सी। तो जब हम बात करें कि ए और सी के बीच, एक ए और सी पर, ए और सी पर पोटेंशियल कितना होगा भैया, इस तरीके से फाइंड करना पड़ेगा। लेकिन इसे निकालने के लिए याद रखना भाई कि बी ए माइनस बी सी प्लस बी बी माइनस बी सी, इसमें देखो प्लस कहाँ सा आया, लेकिन बी ए माइनस बी सी निकालने के लिए अगर हम इसे इस तरीके से रखेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ये ज़रा सही ढंग से देखना पड़ेगा, तुम्हें समझना पड़ेगा कि प्लस कहाँ से आया। ये मैंने इसमें बी घटा लिया और बी जोड़, लिखने का तरीका थोड़ा सा बदल दिया, है वही चीज़। ये बी ए माइनस बी सी तो चाहिए था, वो इसी से यही आ गया क्योंकि ये तो कैंसिल हो गया, लेकिन हमने लिखने के तरीके में थोड़ा जो है दिमाग मारना पड़ा। अब इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू है यो ई वन माइनस आई आर वन, प्लस इसकी वैल्यू यो है ई टू माइनस आई आर टू। ठीक, अब ई वन ई टू तो अलग ले लिए, आई इसमें से कॉमन लेकर इस तरीके से लिख लिया। तो यहाँ पर ये हो गया लेट बी ए सी, तो क्या हो गया यो ई क्यू, ई ई क्यू माइनस आई आर ई क्यू। तो आर ई क्यू इक्वल हो गया, यो कंपेयर करा दिया दोनों से, कंपेयर करा देंगे तो यो ई टोटल ई क्यू, ये हो जाएगा ई वन प्लस ई टू, और यो आई इंटरनल रेजिस्टेंस यो हो गया। तो आफ्टर चेंजिंग टर्मिनल, अगर हम चेंज कर दें टर्मिनल भाई, इसको इधर ले जाएं, इसको खुट्टी चेंज कर दें, यानी कि इधर का इधर इसका इधर, एक ही खुट्टी चेंज कर दो बस उस कंडीशन में। खुट्टी मतलब टर्मिनल, बैटरी नेगेटिव से नेगेटिव जोड़ दो इस तरीके से, तो उसमें क्या है जो पोटेंशियल है वो टोटल पोटेंशियल माइनस करके निकलेगा, यहाँ पर प्लस करके निकलेगा इस कंडीशन में। अगर हम माइनस वाले को प्लस वाले से, प्लस वाले को माइनस वाले से, इस तरीके से बैटरी जोड़ते चले गए तो उनका पोटेंशियल दो सबका एक जगह ज्वाइंट हो जाएगा और पोटेंशियल बहुत इंक्रीज हो जाएगा इस तरीके से, जैसे इंक्रीज हो रही है। सही है, ओके ओके। और लेकिन इस तरीके से निगेटिव जोड़ोगे तो उस वाली कंडीशन में तो घटाएगा। ओके, अब बात कर लेते हैं इसका सेल इन पैरेलल। देयर आर टू सेल इन पैरेलल, यहाँ पर दो सेल के लिए मैं करके दिखा लिया जिससे आसानी से समझना होगा। यहाँ पैरेलल में इस तरीके से जोड़ दिया गया, तो द करंट इज नॉट इक्वल फॉर दिस सर्किट वाई फॉर्मूला आई आर। अब देखो फर्स्ट सेल की बात करते हैं, फर्स्ट सेल इस फॉर्मूले से करेंगे आई वन आर वन, यानी कि फर्स्ट सेल में भाई इंटरनल रेजिस्टेंस आर वन होगा, करंट आई वन बह रहा क्योंकि इसमें जो है करंट अलग अलग होगा, उसमें जो है करंट एक सा होगा जो सीरीज में थे, तो ई वन उसी लिए उसमें पोटेंशियल निकालना था, और इसमें क्या निकालना है, इसमें निकालना है करंट, तो यो यहाँ पर करंट निकाल लिया। ठीक, इस फॉर्मूले को ई वन बी तो सेम है दोनों का, ऐसे ही सेकेंड सेंड के लिए आई टू ई आर आर टू, आई टू आर टू, ई ई टू बी, ऐसा कैसे पोटेंशियल तो सर में आर टू निकाल लिया, इससे टोटल करंट जो है जोड़ लिया आई बराबर इक्वल आई वन प्लस आई टू। ठीक, अब यहाँ पर आई इक्वल
यो इस तरीके से आई वन का मान लगा दिया, आई टू को इनको अलग अलग तोड़ लिया जैसे ये तोड़ा, ठीक। समझ, आफ्टर ज्वाइनिंग के मतलब इस तरीके से एक ही व्यक्ति के जैसा काम करेगी, इसलिए मैंने ये चीज़ दिखाई गई है। ओके, और अब बात करते हैं कि इनको E1 E2 वाले जो अलग ले लिए इस तरीके से, इसमें से B कॉमन ले लिया और इससे डिवाइड कर दिया, मतलब पहले इसका एलसीएम ले लेंगे, इसकी इससे गुणा करते हैं, इस ऐसे ही इसमें से एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा एलसीएम लेते साथ के यो R1 R2 जो है एलसीएम आ गया इसके इससे, ठीक। अब तुम देखोगे क्या करेंगे कि डिवाइड बाई इससे R1 R2 इससे डिवाइड करते हैं। अब इसमें जो है जैसे इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ आई के अपॉन में आएगा, लेकिन उसका उल्टा जस्ट क्या कर देंगे, चलो इसे को उल्टा करके लिख दूँ, या अगर ऐसा नहीं करना चाह रहे तो या लिख दिया या और माने या हो, ठीक। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई बाई किससे करेंगे, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, इससे क्या है मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई करने पर इसमें पूरे में, तो यहाँ देखो मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर R1 R2 सब कैंसिल हो जाएगा, यो इस वाले से मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें भी करोगे, इसमें भी करोगे, इसमें भी करोगे, यहाँ करोगे तो R1 R2 कैंसिल हो जाएंगे ऊपर से, यो नीचे अपॉन R1 प्लस R2 बचेगा, यहाँ कैंसिल करोगे तो यो R1 से R2 कैंसिल हो जाएगा नीचे का, और R1 प्लस R2 कैंसिल पूरा हो जाएगा यो, ठीक। इन टू में लाएंगे ऊपर का, ऊपर का यो कैंसिल हो जाएगा, अब यो बी बचा, बी धर लेंगे, इसे धर लेंगे, ठीक। अब बी नॉन मतलब जो है हो सके कि एक ही बैटरी इन दोनों की बैटरी के इक्वल हो, तो उस कंडीशन में ई टोटल आई आर, तो इसकी ई इक्वल तो ये हो गया, आई आर इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल हो गया ये। ओके,